लुआंग्वा ज़ाम्बिया। ये अपने झुंड का एक मामूली सदस्य है, हमने इसे नाम दिया है टोनी। हाइना समाज में रुतबे का सख्ती से पालन किया जाता है। खाने तक पहुंच हासिल करना भी रुतबे से ही तय होता है। झुंड की बड़े आकार की मादाएं पहले खाती हैं। टोनी 2 साल का है और एक नर है, यानी वो सबसे बाद में खाएगा। सभी युवा नरों की तरह वो भी जल्दी ही झुंड को छोड़ देगा। फिलहाल इसे जो मिल रहा है उसी से काम चला रहा है, यानी बचे खुचे टुकड़े। पर इसकी हालत और बदतर हो सकती है। एक बार इसने एक खतरनाक हमला देखा था। कम उम्र के इस नर ने झुंड को ज्वाइन करने की कोशिश की, लेकिन मादा द्वारा इसे रिजेक्ट कर दिए जाने पर इस अजनबी की जान जाते जाते बची थी। इस घाटी में अगर कुछ पाना है तो हमलावर तेवर दिखाने होंगे। ये झुंड एक कट्टर दुश्मन को अपना निशाना बना रहा है। ये मुकाबला है हाइना और तेंदुए का। और इनका ये झगड़ा पुराना है। लेकिन बुलिंग एक कामयाब तरकीब है। हाइनास दिन रात तेंदुओं का पीछा करते रहते हैं, उनका शिकार चुराने के लिए। टोनी का झुंड सिर्फ मुर्दा खोर ही नहीं है, ये सब साथ मिलकर जबरदस्त तरीके से शिकार भी करते हैं। खासकर कमजोरों का। सवाना की इन शार्क्स के लिए किसी को लगी चोट का मतलब है इनके लिए खुराक। शेर या तेंदुए के उलट इस झुंड का शिकार करने का कोई खास तरीका नहीं है। अपनी सहन शक्ति के बल पर ये अपने शिकार को थका देते हैं और फिर चलते चलते ही खाते हैं। ताजा मांस देखकर इनकी भूख भड़क जाती है। हमेशा की तरह बड़े आकार की मादाएं पहले खाती हैं। टोनी बहुत भूखा है। लेकिन इसे कोई खाना नहीं दे रहा।
इसके नसीब में तो किनारे पर पड़े बचे खुचे हिस्से ही हैं। अगर भूख लगी हो तो वक्त बहुत धीरे धीरे बीतता है। एक और हफ्ता गुजरा, एक और शिकार मारा गया, लेकिन टोनी को कुछ नहीं मिला। पीटू मादाएं फिर खाने में जुट जाती हैं। हालांकि बचपन में ये इनके साथ ही खा सकता था, अगर ये नम्रता दिखाए तो शायद कोई निवाला मिल जाए। ये अपना सिर बाकी सबसे नीचे झुकाए रखता है और खाता रहता है। लेकिन इससे बात नहीं बनती। अब ये बच्चा नहीं है और ये नर है। इसे अब तक झुंड को छोड़ देना चाहिए था। लेकिन इसके लिए तो यही परिवार है। ये फिर कोशिश करता है। लेकिन इसे फिर भगा दिया जाता है। प्रभुत्वशाली मादाएं इसे झुंड के इलाके से खदेड़ देती हैं और इस बार ये यहां से चला ही जाता है। दो दिन बाद टोनी अपने पुराने घर से 60 किलोमीटर दूर आ चुका है। ये भूखा है लेकिन खुद इसके लिए भी खतरा है। तभी इसे जंगली कुत्ते नजर आते हैं। ये अचानक ही हमला बोल देते हैं। इसका साथ देने के लिए झुंड नहीं है तो इसके लिए 9 कुत्तों से बच पाना आसान नहीं होगा। इसके पास एक ही विकल्प है, दुम दबाकर भाग जाना। इस नए इलाके में इतनी बड़ी चुनौती का सामना करने के बाद टोनी को अब आराम करके किसी ऐसी जगह जाना होगा जहां जंगली कुत्ते इसे ढूंढ न सके।
दूसरे पड़ोसी भी इस अजनबी को लेकर उत्सुक हैं। टोनी अपनी भूख को भुला नहीं पा रहा। और इस बीच इसे एक और शिकारी देख लेता है। मारी नाम की ये मादा तेंदुआ भी जंगली कुत्तों से छिपी हुई है। अब इसके सामने एक नया खतरा और आ गया है। टोनी मारी को देख नहीं सकता, तो मारी का पलड़ा भारी है, लेकिन एक न एक दिन दोनों का सामना तो होगा। इस नए इलाके में तो हर कहीं खुराक मालूम होती है, पर झुंड की मदद के बिना दिन में खुलेआम शिकार करना करीब करीब नामुमकिन लगता है। लेकिन टोनी की भूख उसे आगे बढ़ाती रहती है। इसे अपना पेट तो भरना होगा। इसकी नाक इसे एक सड़ी हुई खाल तक ले जाती है। हालांकि ये जानता है कि इस काम में खतरा है, ये शायद जंगली कुत्तों की बची खुची खुराक है। या फिर किसी तेंदुए की, तो इसे बहुत सावधान रहना होगा। ये यहां अपने और ज्यादा दुश्मन नहीं बना सकता। दूसरे शिकारी जीव तो किसी सूखी हुई खाल को तवज्जो नहीं देंगे, पर किसी हाइना के लिए ये खाने लायक चीज है। इसके मोलर्स कहलाने वाले दांत खाल को किसी टेंडराइजर की तरह नर्म बना देते हैं। इस सड़ी हुई खुराक से भी इसकी भूख कुछ हद तक तो मिटी जाएगी। लेकिन हर चीज गले से आराम से नहीं उतरती। आइनास को हर चीज निगलने की कुछ कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। फर यानी बाल एक ऐसी चीज है जिसे हाइनाज पचा नहीं पाते, तो उसे इन्हें उगलना पड़ता है, और साथ ही उगलने पड़ते हैं खुरों के टुकड़े, सींग और घास। अगर अब भी इसमें कुछ बचा होता है तो ये उसे फिर से खाने लगता है। क्या किया जाए, वक्त ही ऐसा चल रहा है। मारी पेड़ से उतरकर नीचे आ जाती है। इसे अपने इलाके में मुकाबला झेलने की आदत नहीं है, और ये फौरन ही अपने इलाके की निशानदेही अपनी गंध से करना शुरू कर देती है, ताकि कोई और इस पर कब्जा जमाने की कोशिश ना करे। इसका पूरा दिन अपने इलाके की सीमाओं की पेट्रोलिंग करने और आराम करने में बीतता है। ये शिकार अक्सर रात में करती है।
ये चुपचाप अपने शिकार के करीब आने और उस पर अपने खास अंदाज में झपट्टा मारने के लिए अंधेरे पर निर्भर करती है। और ये किसी भी मौके से जुड़ी जांच पड़ताल हाथ से जाने नहीं देती। पूकू ने इसे नहीं देखा है। अगर ये समय रहते इस फासले को कम कर पाई तो शिकार हाथ लग सकता है। ये ज्यादा ही दूर है, पर इस गड्ढे में और भी जीव हैं। शिकार हाथ से निकल गया। कुदरत ने इसे रफ्तार के लिए नहीं बनाया है। पर कोई बात नहीं, सूरज डूबने के बाद यह फिर से शिकार के लिए लौटेगी। इधर मैदानों में टोनी बड़ी शिद्दत से खुराक ढूंढ रहा है। यहां शिकार की कोई कमी नहीं, बशर्ते ये उसे पकड़ सके। ये इतना बेताब है कि खुद को छिपाने की बात भी नहीं सोच रहा। इसे शिकार तो करना होगा, पर ये काम आसान नहीं। पूकू हिरणों की रफ्तार काफी तेज होती है, लेकिन ये तेज नहीं दौड़ सकता और इसमें स्टैमिना बहुत है। तो शायद ये इन्हें पकड़ पाए। पर यहां टोनी को मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यहां इकलौती समस्या सिर्फ मगरमच्छों से ही नहीं है, ये हिप्पो भी एक बड़ी बाधा है। तो पूकू के लिए अपनी जान बचाना आसान नहीं होगा। किस्मत साथ दे सकती है। अफसोस, इसकी पूरी खुराक चुरा ली गई। इसे एक रात और भूखे ही रहना पड़ेगा। सूरज ढलने के बाद लुएंग्वा की शक्ल ही बदल जाती है। इस समय अंधेरे में आप देख पा रहे हैं थर्मल इमेज। और टोनी को भी रात में कुछ ऐसा ही दिखता है। दूसरी तरफ हिरणों को अंधेरे में कुछ खास ठीक से नहीं दिखता, तो कुदरत ने उन्हें शानदार कान दिए हैं। शिकार के हिसाब से यह वक्त बढ़िया है। इसके झुंड की तरकीब होती थी ग्रुप को डिस्टर्ब करना और फिर उसका पीछा करना, पर अकेले
ये काम मुश्किल है। तभी ये मादा तेंदुआ इसे नजर आ जाती है। इस तेंदुए के जरिए इसे खुराक मिल सकती है। टोनी का झुंड इस काम में माहिर था कि तेंदुओं से खुराक कैसे चुराई जाए। ये मादा शिकार कर रही है और ये इस काम में काफी माहिर लग रही है। मारे की रणनीति अलग है। ये किसी एक लक्ष्य को चुनती है, रेंग कर उसके बहुत करीब तक पहुंच जाती है और फिर हमला करती है। एक दूसरे से बिल्कुल अलग स्वभाव वाले ये जीव शायद एक दूसरे से टकराने वाले हैं। टोनी इसका भेद खोल देता है और मारी को हमला शुरू करना पड़ता है। यह वाकई माहिर शिकारी है। टोनी को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा। दो हफ्ते में इसे पहली बार ताजा शिकार मिला है। ये खाने में इतना मस्त हो जाता है कि इसे याद ही नहीं रहता कि एक तेंदुआ भी इसके साथ ही खा रहा है। ये जल्दी से जल्दी खाने की कोशिश करता है। मारी को समझ नहीं आता कि इसका करे तो क्या करे। ये इसका जंगल है, इसका शिकार है। पर फिलहाल तो इन दोनों का ध्यान खुराक पर है। और आखिरकार जीत तो दमखम वाले की ही होगी। आमतौर पर हाइनास तेंदुओं को शिकार पर से खदेड़ देते हैं, पर ये मादा तेंदुआ तो जवाबी टक्कर दे रही है। और ये पिंजर को इससे छीन लेती है। इस तरह जीत हुई मारी की। आज इसने अपने एक पुराने दुश्मन को हरा दिया। बिना अपने झुंड की मदद के टोनी का डराना धमकाना काम नहीं आया। और इस पिंजर के खत्म होने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। टोनी के हिस्से फिर से टुकड़ों के लिए इंतजार करना ही आता है। इसके लिए ये रात भी बुरी ही साबित होने वाली है। मारी को यह सुबह बहुत अच्छी लग रही है। इसने सारी रात दावत उड़ाई है। इसके बदन में जान आ चुकी है,
पर टूनी के लिए हालात इतने खुशगवार नहीं हैं। मादा तेंदुए ने इस दावत के दौरान इतना ध्यान रखा है कि मांस का एक टुकड़ा भी नीचे नहीं गिरा। उम्मीद है कि जल्दी ही निवाले नीचे गिरेंगे। अब टोनी से इंतजार नहीं हो रहा। और जो दिख रहा है वो पहुंच से बाहर है। ये फिजूल की अपनी ताकत बर्बाद कर रहा है। पर अगर भूख लगी हो तो धीरज रखना नामुमकिन होता है। टोनी पूरा दिन इंतजार करता है पर एक भी टुकड़ा नीचे नहीं गिरता। नीचे आती है तो बस मारी, पर कोई खुराक पाने के सिलसिले में अब भी ये ही टोनी की इकलौती उम्मीद है। इससे पहले कि मारी इसे पेड़ में टांग दे, इसे इस पिंजर को चुराना होगा। कल के शिकार की गंध इसकी भूख को और बढ़ा रही है। टोनी के लिए ये जरूरी है कि मारी फिर से शिकार करे, और इसका पेट तो भरा है। और इसे टोनी से डर भी नहीं लगता। टोनी अपनी कोशिशें जारी रखता है। और उसकी आवाजों से एक इंपाला हिरण चौकन्ना हो जाता है और मारी भी इशारा समझ जाती है। इंपाला इस शोर की वजह से थोड़ा घबराया हुआ है। कल रात हाइना ने हिरणों को डरा कर भगाया था और तेंदुए ने खामोशी से घात लगाई थी जिससे कामयाबी मिल गई थी। तो क्या आज भी कामयाबी मिल सकती है? कोशिश करने में क्या हर्ज है? तो टोनी भी इसके पीछे पीछे चल पड़ता है। ये झुंड को हैरान करने की कोशिश में है। और मारी अपनी पोजीशन ले रही है। झुंड को हाइना की आवाज आती है, तेंदुए की नहीं।
ये दोनों अक्सर एक दूसरे से बचते रहते हैं, पर फिलहाल इन दोनों का आपसी तालमेल काम कर रहा है। इस बार मारी शिकार को लेकर टोनी से नहीं उलझती, वैसे भी इसे ज्यादा भूख नहीं लगी है। कई महीनों में पहली बार टोनी को पेट भर खाना नसीब होता है, और इस काम में इसकी मदद की इसके कट्टर दुश्मन ने। आज की रात दोनों के लिए अच्छी रही। इस रस्सा कशी में अब भी पलड़ा टोनी का ही भारी है, पर आज शाम ये कम हमलावर तेवर में दिख रहा है, और मारी भी कोई एतराज नहीं कर रही। इंपाला फीटस एकदम बेहतरीन खुराक है। ये दोनों खामोशी से अपना पेट भरते रहते हैं, पर इस तरह साथ साथ खाना खतरनाक है। दूसरे शिकारी इन दोनों की खुराक बड़ी आसानी से चुरा सकते हैं। वक्त के साथ टोनी और मारी एक तरह से साझीदार बन जाते हैं। मारी के छोड़े पिंजर टोनी के जिंदा रहने के लिए जरूरी हो जाते हैं। और मारी भी शिकार के मामले में ज्यादा माहिर होती जाती है। ये अब नियमित रूप से मारी को शिकार के लिए फुसलाता रहता है। ये हमेशा विरोध करती है। और ये हमेशा उसकी अनदेखी करता है। रात दर रात यही सब दोहराया जाता है, और फिर मारी को तरस आ ही जाता है। किसी झुंड को निशाना बनाने के बाद टोनी उनका ध्यान बटाने के लिए उन्हें हड़काता है। हिरणों को फिक्र रहती है हाइना की, और इसी बीच मारी अपना दाव चल देती है। ये फायदा उठाते हैं उनकी घबराहट का। और इनकी यह अनोखी रणनीति कामयाब रहती है। दिन ब दिन इनका ये अनोखा रिश्ता पनपता रहता है। दोनों ही अपनी इस मिलीजुली कोशिश का मजा लेते रहते हैं। तेंदुए अक्सर अपनी खुराक को तब पेड़ों पर छिपा देते हैं जब हाइना आसपास होते हैं, पर ये अब जमीन पर भी खुश है। खुराक का टाइम इन दोनों के लिए ही तनाव से भरा होता था, पर अब दोनों के बीच शांति है, जो एक अजीब बात है।
और ये दोनों ही एक नियम का पालन करते हैं, शोर नहीं मचाना, दूसरे शिकारियों का ध्यान अपनी तरफ नहीं खींचना, वरना ये अनोखा गठजोड़ टूटकर बिखर जाएगा। और कभी लापरवाह भी नहीं होना। ये शायद भूल गए हैं कि यहां सिर्फ ये दो ही शिकारी नहीं हैं। कुछ दूसरे भी हैं जो इस अजीब से गठजोड़ में दरार पैदा करने के इंतजार में हैं। टोनी को सबसे पहले इस खतरे का अंदाजा होता है। वो भाग लेता है। यहां जंगली कुत्ते आ पहुंचे हैं, तो अब ये दोनों ही खतरे में हैं। ये झुंड मारी के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। मारी फिलहाल तो सुरक्षित है, पर आखिर कितनी देर तक? जंगली कुत्ते तो कई कई दिन तक घेराबंदी किए रख सकते हैं, और फिर मजबूरन भूख की वजह से इसे नीचे उतरना पड़ेगा। ये जानवर कंपटीशन का सामना ऐसे ही करते हैं। झुंड इंतजार करता रहता है, पर टोनी यहां से जाता नहीं। ये झुंड का सामना करता है, मारी की तरफ से उनका ध्यान बटाता है। पर अब इस पर हमला हो सकता है। ये इन्हें उलझाए रखता है। और जब ये गुस्से से पागल हो जाते हैं, तो ये यहां से भाग लेता है। इसे यकीन है कि ये इसका पीछा करेंगे। इन दोनों ने अपने पहले मिले जुले खतरे का बखूबी सामना कर लिया है, पर कुत्तों ने टोनी की हालत खराब कर दी है। और मारी यहां से काफी दूर मौजूद है। पर ये यहां अकेला नहीं है। यहां माहौल में एक जानी पहचानी गंध महसूस हो रही है। ये गंध है सड़ते पिंजर की। अरे, यहां तो कोई और भी है। ये तो हाइना का एक झुंड है। क्या ये इनके साथ मिल जाए या फिर जान बचाकर भागे, क्योंकि ये तो एक अजनबी है। इसे किसी झुंड की मदद की बहुत जरूरत है, पर इनके करीब जाना खतरनाक होगा। किसी अजनबी को पहले इसके लिए इजाजत की जरूरत होती है, और अगर झुंड ने इसे अस्वीकार कर दिया तो मौत दर्दनाक होगी। लेकिन देर हो गई,
झुंड की प्रमुख मादा इसी की तरफ बढ़ रही है और झुंड के सदस्य निगरानी कर रहे हैं। इसका पीछा पूरी गंभीरता से किया जा रहा है। टूनी हार मान लेता है। इसके पास और कोई रास्ता भी नहीं है। ये इनकी खुशामद करने लगता है। ये तो झुंड में सबसे निचला रुतबा भी स्वीकार करने को तैयार है। इससे ज्यादा ये कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता। झुंड ने इसे स्वीकार कर लिया है, पर टोनी अब भी दूरी से ही सब कुछ देख रहा है। किसी पिंजर को कौन सबसे पहले खाएगा यह तय होता है। प्रभुत्वशाली मादा और उसके बच्चों को यह मौका सबसे पहले मिलेगा। नर इंतजार करते रहते हैं। टोनी की बारी सबसे बाद में आएगी। उसके लिए जिंदगी पहले की तरह चलती रहती है। ये अब भी अपने इलाके की शहंशाह है। ये फिर से शिकार वाली अपनी पहले वाली रणनीति पर लौट आई है। बस एक फर्क आया है, ये अब अक्सर जमीन पर ही खाती है। हो सकता है कि कोई मेहमान ही आ जाए।